भाई दिस इज़ द रियल व्यू ऑफ हिक्किम विलेज, और वहाँ पे है पोस्ट ऑफिस अपना सामने ही, और अभी हम चल रहे हैं कॉमिक। वी रीच्ड वन मोर रिकॉर्डेबल लोकेशन विच इज कॉमिक, हाइएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विथ मोटरेबल रोड। देखो एल्टीट्यूड कितना है, 4587 मीटर भाई साहब। और ये ना हिक्किम से बस 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस पर है, तो ये भी आके आप लोग एक बार विजिट करो। और यहाँ पे मोनेस्ट्री मिलेगा आपको, छोटा सा गाँव है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, छोटा सा, बहुत छोटा सा गाँव है। और यहाँ पे फोटो वोटो हो रहा है अपना, फिर यहाँ से निकलेंगे अब कहाँ पे, लैंगजा, लैंगजा ना, लैंगजा ही ना, चलो भाई लैंगजा निकलेंगे। और हवा बहुत तेज चल रहा है, और देखो ना चारों तरफ स्नो पीक माउंटेन दिख रहे हैं पूरा। सो देखो कितने सारे बाइकर्स ग्रुप भी आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। निकलते हैं यहाँ से वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज से, विच इज एट एल्टीट्यूड ऑफ 4587 मीटर। पॉपुलेशन 14 पर कैपिटा। हाँ भाई, कॉमिक से ना लैंगजा का डिस्टेंस बस 10 किलोमीटर है, तो अगर आप ये हिक्की मारे हो तो कॉमिक भी आ जाओ, फिर लैंगजा भी चले जाओ। ये काइंड ऑफ राउंड ट्रिप हो जाता है, दोनों जाके काजा वाले रोड में ही मर्ज हो जाएगा। सो अभी अपन जा रहे हैं लैंगजा, यहाँ से बस 10 किलोमीटर और कितना मिनट, 22 मिनट। और लैंगजा वाला रोड ज़्यादा बेटर है, हिक्की वाला रोड थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। सो देखो ऐसा है कुछ लैंडस्केप इधर का, और रोड उड़ाते हुए जाओ, बस थोड़ा संभल के जाओ क्योंकि कॉफ बहुत है, और टर्निंग पे डायरेक्टली सामने से भी कार आता है ना, तो थोड़ा संभालना पड़ता है क्योंकि रोड नैरो सा है। कितना होता है अंकल जी, कितना पर पर्सन? 30 रुपीज। ओके जी, देखो यहाँ पे ये बुद्धा स्टैचू के लिए 30 रुपीज है पर पर्सन, तो हम 5 है तो 150 रुपए। चलो मजा, मजेदार। सो नाउ वी आर इन लैंगजा, तो ये है लास्ट, इसके बाद काजा, फिर रिकॉम्पियो के लिए डायरेक्टली निकलेंगे। कॉमिक जाके आया लो। हाँ, कॉमिक हो गया। 150 रुपए का चूना, बुद्धा स्टैचू कमेटी का। हाँ, इन लैंगजा। हाँ, 150 रुपए का चूना लग गया। चूना क्या ही लगा है, इतना तो खर्चा होना ही है। राउंड ट्रिप मारे ना इसके, हम राउंड ट्रिप बोले थे, राउंड मारे ना। हाँ, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि क्लॉकवाइज राउंड मारना होता है। आधे घंटे लिखा भी है। हाँ विक्रांत, तुम ही पढ़े थे मोनेस्ट्री में, याद है? हर जगह गोल घुमा देता हूँ उनका डब्बू। उसको कुछ तो बोलते हैं। कहाँ है भैया जी? इधर गाड़ी आती है ना, इधर लग जाएगी, नीचे जाना पड़ेगा। निरुक वहाँ पे है ना जगह। अच्छा स्टैचू नीचे है, किसी पे है ऊपर? तो कार कहाँ लगाया जाए भाई,
नहीं अरे इधर लगा, हाँ यहाँ लगा देता हूँ उसके पीछे क्या ले आगे लगा देता हूँ ले। भाई बोला आगे आगे लगेगा, इसका मतलब सिंपल चिपके चिपके से देखे बच गए। अरे रास्ता का इतना बहुत ठीक है प्रभाकर, बस 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 हम जाओ। चलो भाई लैंडस्केप देखोगे ना मजा आ जाएगा। ला ला लव मी लाइक यू डू। साला ठंड में क्या ही होता होगा ना, बर्फ बर्फ पूरा वाइट 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 होगा। अभी काले हो रहे हैं तब उजले होते हैं, इनको तो काले होने का ही फिक्र है। टैन हो गया भाई अपना, भाई सभी हुए टैन यार, क्योंकि अपन हाइट पे तो धूप भी तो तेज लग रहा है ना। यहाँ पे स्टैचू भाई नीचे है, यहाँ से नीचे है कार, यहाँ पे लगा के स्टैचू वहां पे रहा देखो। भाई इतना स्पीति वैली में ड्राइव करने के बाद एक छोटा सा ज्ञान देता हूँ, ज्ञान तो नहीं है बस छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, कि अगर आप स्पीति आ रहे हो तो इस मंथ में आ रहे हो ना मई जून, तो तब तो 4x2 ला सकते हो इजीली, बहुत ही इजी है। हाँ बस ड्राइवर जो है ना, जो ड्राइव करने वाला बंदा है वो वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। अगर वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदा, क्योंकि भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम था स्पीति वैली में। हिमाचल में मैं पहले ड्राइव किया हूँ, बट वो मनाली अटल टनल सिसु वाला साइड, इस साइड इतना टफ है ना, मतलब कंपेयर टू दैट साइड, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और अगर आप विंटर टाइम पे आते हो स्पीति, विंटर स्पीति करना चाहते हो, तब तो भाई 4x4 ही लगेगी। ये तो सो गाइज दिस इज द फेमस स्टैचू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इन अ लैंगजा, बुद्धा स्टैचू ऑफ लैंगजा, 35 feet का ये स्टैचू, एंड चारों तरफ व्यू तो दिखाया ही मैंने आपको, खतरनाक है भाई लैंडस्केप। और ठंड में ना विंटर में तो पूरा ये वाइट 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 हो जाएगा। सो चलो अब निकलते हैं आगे डायरेक्टली, काजा जाएंगे कुछ खाएंगे। कार जहाँ पार्क्ड है वहाँ से तो स्टैचू तक जाना बहुत ईजी था, अब जाने में पता चलेगा। अभी आइए ले चलते हैं। अभी टफ हो रहा है, बस एक मेजर चीज का ध्यान रखें, छोटे छोटे स्टेप रखें, बड़े बड़े नहीं, और आराम से स्लोली वॉक करें। हाँ। वो घोड़ों की तरह तो बुक। कैसे कैसे ये तो बकरी जैसा था। पीगू 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 भाई बा पीगू जैसा। ओ भाई ऑफेंड हुआ है। भाई हालत खराब हो जाए। वो साला सिर्फ वो सिंगल बंदा है पतलू सा, हवे की तरह उड़ जा रहा है, मधुमक्खी की तरह। इसको देखो कमर पकड़ के क्यों ज्ञान, क्यों क्या हो गया ज्ञान? बोलने का भी हिम्मत नहीं क्या? हमारा टेम्पररी में तुमको इतना स्टेबल है ना, शहर में क्या करोगे? विनर इज ऑलवेज सक्सी, इफ यू लीव यू आर सक्सी, इफ नॉट विनर दैट इज स्पिनर, विनर दैट इज स्पिनर। तुमने शरीर बना के तुम चढ़ पा रहे हो? हां बताओ बताओ,
बहुत स्टैमिना की बात होती है बाबू, तो तुम में बहुत स्टैमिना है। सबसे पहले कौन है ऊपर? वो तो आगे चलोगे तो आगे ही आओगे ना। आगे चल लेते। ए, नाना। देखो वो कहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं गुरुजी अपने। उनको खुले पे ज्यादा मजा आ रहा है। सो भाई लोग, दो तीन वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड होता है ना, वो सेट कर लिया हमने। क्या प्रभाकर, एकदम कौन कौन सा? पहले तो हमने हाईएस्ट पोस्ट देखा, पोस्ट बॉक्स, विलेज एंड पेट्रोल, उसके बाद सबसे हाईएस्ट विलेज, फिर पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल पंप, और ये लैंगजा वाला भी है, मतलब फेमस है, बहुत फेमस है ये। 4380 मीटर के आसपास दिखा रहा है। 35 फीट का स्टैचू है बुद्धा जी का। हाँ, 35 मीटर का, 35 मीटर का है ना सर, 35 फीट रे, मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, फीट है वहाँ पे मेंशन था पीछे, फीट है, फीट। चलो भाई निकलते यहाँ से। विक्रांत भाई भी कर लिया अपना जो भी दान करना था यहाँ पे। थोड़ा बहुत इस धरती को बंजर से पानी दे के हरी भरी बना दिया। बर्फ में इधर, ठीक है। हाँ, 4x4 लेके पक्का, एकदम मैजिकल लगता है वो, और खतरनाक वाइट वाइट भाई, आंखों में इतना चुभेगा ना वो बिना, अगर गूगल से देखोगे। किधर जाना है रे? भाई लोग, अगर आप लैंगजा कॉमिक और हिकिम करना चाहते हो, तो अगर कॉमिक से स्टार्ट करके लैंगजा जान के रिटर्न होना है तो ये रास्ता ले लो, कच्चा वाला। और अगर लैंगजा से स्टार्ट करके कॉमिक होते हुए हिकिम, तो ये पीछे वाला ले लो जिधर से हम रिटर्न हो रहे थे, और फिर इधर से आपको आना पड़ेगा वापस, फिर ये कनेक्ट कर देगा काजा को नीचे जाओगे तो। सो ऐसा है, कुछ ऐसा राउंड सा है तीनों ये रिकॉर्ड वाला जो भी लोकेशन है। ऐसा अपन टर्न टर्न खेल रहे हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, डिस्क और कैलिपर का स्मेल है। कहीं रोक के पानी डालना पड़ेगा टायर पे, कैलिपर पे। देखा नहीं तस्वीर में? हाँ, वही दिखाया ना, वो दया लिखा हुआ है। कैसे बनाए होंगे ना वहाँ पे लोग, कैसे वहाँ पे रुक के बनाए होंगे वो, कैसा है वहाँ पे। और वो नीचे रहा काजा। सो चलो यार काजा जाते, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज। अगेन वी आर इन काजा, और यहाँ से रिकोंगपियो कल्पा, रिकोंगपियो से जस्ट ऊपर है, तो वो पड़ रहा है कितना, 217 किलोमीटर, 5 घंटे 30 मिनट। भाई दिखा रहा है 5.5 घंटा, लेकिन हमको 7-8 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि खाना खाना, वीडियो बनाना, फोटोज लेना, सारे चीज करना। और ये है काजा वाला मोनेस्ट्री दोनों साइड, तो ये भी आप घूम सकते हो। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो मोनेस्ट्री तो नहीं जा पाएंगे, डायरेक्टली खाना खाएंगे कहीं पे और भागेंगे डायरेक्टली कल्पा के लिए। हम आए हैं काजा मार्केट में, बड़ा मार्केट है यार, और यहाँ पे पंजाबी ढाबा मिला अपने को, क्योंकि अपने को खाना अच्छा टेस्टी। सो चलते हैं यहाँ पे पंजाबी ढाबा में, पेलते हैं पूरा खाना सब। एक एक को बहुत तेज भूख लगा है, क्योंकि भाई सुबह में नाश्ता किया था, उतना हाइट पे चढ़ना उतरना थकान हो जाता है यार। सो भाई जी, खाना पीना तो हो गया अपना पंजाबी ढाबा में, हुआ विक्रांत सही से? हाँ, बहुत अच्छा खाना खिलाया ज्ञानू जी। ये तो इसका तो बात है। क्या गुरु, अब कहाँ जाना है? निकलते हैं बाहर। एक्साइटमेंट ऐसे ही कम हो जाता है लास्ट में ट्रिप, जब लास्ट का डे आने लगता है ना क्लोज, तो एक्साइटमेंट ऐसे ही कम हो जाता है। इन बंदों को देखो आप,
सो चलो ये वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज योर सीट बेल्ट, बाय बाय, सी यू सून गाइस।